दोस्तों करने लगे हैं आज एक नई चीज की अनबॉक्सिंग। तो आज हमारे पास Asus की तरफ से नया टफ गेमिंग लैपटॉप, ये रहा मेरे पास बॉक्स, और करते हैं आज इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या ये बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये रहा चक्कू, करते हैं इसको अनबॉक्स। तो ये है वो लैपटॉप, ये है Asus का टफ A15 लैपटॉप, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप है और काफी बढ़िया है। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा है लैपटॉप। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमें मिल जाता है कुछ हनीकॉम्ब मैश जैसा कुछ डिजाइन, जो कि इसकी खासियत है। अभी हम इसको, ये रहा हमारे पास लैपटॉप, तो अभी हम इसको निकाल के रख लेते हैं साइड पे। इसमें हमें मिल जाती है एक प्रोडक्ट मैनुअल, तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें मिल जाती है एक पावर ब्रिक, तो ये हमें 150 वॉट्स की पावर ब्रिक मिल जाती है। ये स्मॉल सा चार्जर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरे कंपार्टमेंट में अगर हम देखें, वही चार्जर की एक केबल मिल जाती है। अब हम इस पूरे बॉक्स को रखते हैं साइड में और बात करते हैं हमारी मेन यूनिट की। तो देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है देखने में। ऊपर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इसका एक सिंबल या लोगो, जिसको हम कह सकते हैं। टॉप में हमें देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे TUF का ऊपर एक ब्रांडिंग, और यहाँ पे हमें कुछ मिल जाती हैं नोटिफिकेशन LEDs। अगर हम बात करते हैं मेन बिल्ड की, तो वो बहुत ही बढ़िया है, मिलिट्री ग्रेड बिल्ड मिल जाती है। वैसे तो प्लास्टिक में है, अगर हम ऊपर डिज़ाइन की बात करें तो इसमें हनीकॉम्ब डिज़ाइन मिल जाता है और थोड़ा सा ब्रश्ड मेटालिक सा कुछ टच मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है फील करने में। और अगर मैं बात करूँ वेट की, तो थोड़ा सा हैवी तो है, 2.3 kgs का ये हमें वे करता है। ये है गेमिंग लैपटॉप, तो इतना तो वेट हमें मिल ही जाता है किसी भी गेमिंग लैपटॉप में। आगे बढ़ते हैं हम अपने इसके एक्सप्लेन्ड ओवरव्यू की तरफ। अब हम बात करते हैं इसकी साइड में, जो मेन इसमें कितने पोर्ट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले देखिए हमें मिल जाता है यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट, फिर मिलता है एथरनेट, और उसके बाद हमें मिल रहा है एक HDMI, और नेक्स्ट हमें दो मिल जाते हैं 3.2 USB टाइप ए पोर्ट्स, और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल रहा है। लेकिन ये टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए नहीं, ये हमें एक्सटर्नल मोनिटर कनेक्ट करने के लिए मिलता है। और यहाँ पे 3.5 mm का एक ऑडियो जैक मिल जाता है। तो लेट्स मूव टू इट्स अदर साइड। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पोर्ट देखने को मिल रहा है गाइस, तो ये है हमारे पास 2.0 USB टाइप ए पोर्ट। चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो बात करते हैं अगर इसके स्पीकर्स के ओवरव्यू के लिए, तो स्पीकर हमें मिल जाते हैं DTS X Ultra टेक्नोलॉजी से, और 1.8x लाउडर वॉल्यूम इसको ऐसे कुछ क्लेम करता है Asus। बाकी हम चेक करेंगे टेस्टिंग के दौरान। आगे हम अगर बात करते हैं इसके एयरवेंट्स की, तो एयरवेंट्स हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं इसमें, जो कूलिंग के लिए बहुत ही मैंडेटरी होते हैं जी किसी भी गेमिंग लैपटॉप में। हमें यहाँ पे कूलिंग सिस्टम वो ड्यूअल फैन डिज़ाइन में मिल जाता है, और सेल्फ क्लीनिंग कूलिंग के साथ मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए गाइस, इसको भी खोल के देखते हैं किस तरह का है, और बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस की। अगर मैं बात करूँ ये सिंगल हैंड तो खुल ही जाता है। तो जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी इस लैपटॉप के बारे में, वो है इसकी डिस्प्ले। डिस्प्ले मिल जाता है हमें 15.6 इंच का LED बैकलाइट फुल HD डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है गाइस, और IPS पैनल मिल जाता है इसमें। काफी बढ़िया ये डिस्प्ले है, गेमिंग करने में हमें इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे बढ़े तो हमें इसमें लैपटॉप में देखने को मिलता है सबसे टॉप पर एक वेबकैम, जो कि है 720p के साथ HD वेबकैम। चलिए गाइस, अब हम करते हैं फर्स्ट टाइम के लिए बूट और देखते हैं कैसा है इसका बूट टाइम।
वाओ क्या कीबोर्ड मिल रहा है यार। तो ये पूरी तरह से गेमिंग कीबोर्ड हमें देखने को मिलता है और ये बैकलिट है। इसमें जो ये कीज हैं वो काफी हैं अच्छी और फुल लेंथ कीबोर्ड मिल जाता है हमें विद न्यूमेरिक कीपैड। और देखिए इसकी की शेप्स हैं और इस पे जो फॉन्ट लगे हुए हैं वो पूरे गेमिंग लैपटॉप ही है एक तरह से ये। और ये जो कीबोर्ड है वो कलर्ड एलईडीज के साथ आता है कीबोर्ड है। ये काफी इजी टू यूज है और देखिए इसके जो क्लिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं गाइस। फुल लेंथ होने के साथ ये काफी बढ़िया और सॉफ्ट टच कीबोर्ड है। तो गाइस आप वो भी इसका साउंड टेस्ट भी करवा देते हैं एक। ओके गाइस तो प्रोसेसर जो इसमें देखने को मिलता है हमें AMD का Ryzen 7 4800H प्रोसेसर और ये बेस्ड है 7nm टेक्नोलॉजी पे। गाइस इंटेल तो इसके नजदीक भी नहीं है अभी, इंटेल का हमें 14nm पे देखने को मिलता है, लेकिन ये मशीन काफी टफ टक्कर देने वाली है गेमिंग सीरीज में। इसमें हमें देखने को मिलती है सबसे पहले तो 8GB DDR4 3200MHz की रैम अपग्रेड हो सकती है जो 32GB तक, क्योंकि हमें इसमें देखने को मिलते हैं दो स्लॉट्स। और इसमें स्टोरेज की बात करें तो 1TB की 5400 RPM पे चलने वाली एक HDD प्लस हमें SSD ड्राइव भी देखने को मिलती है 256GB की, प्लस M.2 NVMe 3.0 SSD का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है जो कि है NVIDIA का GTX 1650 GDDR6 4GB VRAM के साथ। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस लैपटॉप में बैटरी की तो इसमें हमें मिल जाती है एक 3-cell लिथियम आयन बैटरी जो हमें मॉडरेट यूसेज करने पर 3 to 5 hours तक का बैटरी बैकअप दे देती है। लेकिन अगर हम हार्डकोर गेमिंग्स वगैरह करते हैं तो यार वो चार्जिंग लगा के कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगी। दोस्तों अगर बात की जाए गेमिंग की तो हाँ इस लैपटॉप ये बनाई गेमिंग के लिए, तो गेमिंग तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सभी गेम्स दोस्तों टेस्ट की जाएंगी, पबजी तो दोस्तों पबजी का तो भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम और भी गेम्स टेस्ट करेंगे। अब और गेम्स तो लानी पड़ेंगी तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। वीके की गेम लोड की हमने और देखते हैं कितनी जल्दी ये गेम लोड हो जाती है। तो देखिए गाइस हमें गेम खेल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल भी लैग नहीं हो रही है, बहुत स्मूथ गेम है यार, मज़ा बहुत आ रहा है खेलते हुए भी। आप स्क्रीन की क्वालिटी को अगर महसूस कर पा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। देखिए तो दोस्तों अगर मैं बात करूं फाइनल कंक्लूजन की इस लैपटॉप के बारे में तो मुझे ये लैपटॉप बहुत ही रफ एंड टफ लगा। तो जैसे कि कंपनी कहती है कि मिलिट्री ग्रेड लैपटॉप है तो बिल्कुल सही है गाइस, ये काफ़ी बढ़िया बिल्ड में है और वही बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन है राइजन 7 के साथ ही हमें देखने को मिलता है। और अगर आप लोग ज़रा से भी इंटरेस्टेड हुए इसकी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए तो मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग चाहें तो उस लिंक से ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं। और गाइस अगर मैं बात करूं आपको इस लैपटॉप के प्राइसिंग की तो ये मुझे पड़ा था 75,000 rupees का, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये आपको थोड़े से और डिस्काउंटेड प्राइसेस में देखने को मिले। मैं आपको ये लैपटॉप जरूर रिकमेंड करूंगा अगर आप गेमिंग करते हैं और थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग या कुछ भी हैवी यूजर आप हो किसी भी लैपटॉप के, तो आप इस लैपटॉप के साथ जरूर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप शेयरिंग माई वीडियोज एंड सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहूं। Till then guys, be safe, कोरोना वायरस से बच के रहें और घर में सेफ रहें। थैंक यू सो मच।